कि जो प्रधानमंत्री भारत की संसद में ये कहता हो कि एक अकेला सब पे भारी, उसे भारत की जनता ने इतना ठीक कर दिया है कि वो विपक्ष से शुचिता की उम्मीद कर रहा है। विपक्ष तो हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसी की बुनियाद पे हमने हमेशा संसद को चलाने की बात कही। हमने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि किसानों के मामले में कोई फैसला लीजिए आगे बढ़कर। हमने कहा कि जातिगत जनगणना पे फैसला लीजिए। इवन जब प्रधानमंत्री जी जब हमारे देश पे पाकिस्तान या चीन का विषय आया तो पूरे विपक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने, हम सब लोगों ने दिल से उनसे कहा कि पूरा देश आपके साथ में। तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब आज पूरे देश में छात्रों और युवाओं के भविष्य से खेला जा रहा है, हम आपसे सवाल करेंगे कि ये पूरे देश में नीट फेल क्यों हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो एक मजबूत विपक्ष अब सामने दिखेगा उत्तर प्रदेश से भी, आदरणीय राहुल जी एक तरफ होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी एक तरफ होंगे, डिंपल यादव साहिबा होंगी, तो उनको उन सारे विषयों पे जो देश के मुद्दे हैं, अगर वो देश को कॉन्फिडेंस में लेते हैं विपक्ष को, हम समझेंगे कि वो संसद चलाना चाहते हैं। संविधान की आप लोग ही बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, देखो इमरजेंसी में सबसे ज्यादा जेल समाजवादी लोग गए। वो जो नजीर है हमारे देश पर उसको बहुत अच्छे से याद नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो वो पूरी लक्ष्मण रेखा लांघ के पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया, चुनाव के लिए छोटी पार्टियों को तोड़ने के लिए उन सारे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का। तो हमारा ये कहना है कि जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री रहूं ना रहूं, एनडीए रहे ना रहे, लेकिन संविधान उसकी संस्थाओं से किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी किताब तो हाथ में लेते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। अखिलेश जी ने और समाजवादी लोगों ने जो आज भारत का संविधान की किताब अपने हाथ में ली है, प्रधानमंत्री को उस पर चलना पड़ेगा। नीट का मामला बना और गुजरात का सीधा सीधा नजर आता है, एक तरफ गुजराती हैं, दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की सरकार है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है पेपर लीक्स किए जा रहे हैं। देखो रोजगार शिक्षा देश का सबसे बड़ा विषय है। आज सभी युवकों को जो प्लस टू करके भी निकले हैं उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा देने में फेल हो रही है। हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में दास्तानी पर्चा लीक में कितने पर्चे हैं जो लीक हुए हैं, और पर्चा लीक का जो प्रिंटर है वो एक गुजराती निकला, और जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कार्रवाई करती पता चला कि वो विदेश भाग गया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। तो गुजरात ही इसमें शामिल नहीं है सिंडिकेट में। नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम सरकारी नौकरियां देंगे तो राज्य पे बोझ आएगा, इसलिए नौकरियां ना देने पड़े तो पर्चा लीक करवा दो। आपको शिक्षा नहीं देना है, नरेंद्र मोदी जी को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लड़के देश के हमारे 2-2 करोड़ में MBBS कर रहे हैं, बताइए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट ओन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे हम देश के भविष्य के लिए, जब स्वास्थ्य पे एक संकट है, 1000 पे एक डॉक्टर नहीं हमारे देश के अंदर आबादी पर, तो वो नहीं चाहते हैं कि देश के लोगों को स्वास्थ्य मिले और वो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से भी उनको राहत नहीं मिली। देखिए आखिरी उम्मीदें भी हमारी सुप्रीम कोर्ट से ही है, देश में आखिरी उम्मीद तो वही है। हम समाजवादियों का जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि जिन रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी को आरोप बना के उनको विलन बनाया जा रहा है, वही रेड्डी जिस पे रेड होता है और वो भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में 200 करोड़ रुपए डालता है, एक्सटॉर्शन मनी जिसको हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि जो कुछ हो रहा है केजरीवाल जी के साथ, जो कुछ हो रहा है हेमंत सोरेन जी के साथ, समाजवादी पूरी ताकत देश की इन दोनों के साथ में है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि संविधान पे चलना है हमको और संविधान को चूमते हैं, तो थोड़ा ये मजाक लगता है। आसाम के मुख्यमंत्री, लोगों ने
एक तरफा कांग्रेस को साथ दिया है और कांग्रेस के लिए वोट किया है, आहत होता है इन बातों से? देखिए, असम के मुख्यमंत्री को तो जेल जाना था। हम पूछ रहे हैं कि जो अमित शाह जी आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हेमंत सोरेन को जेल भेजने का बात करते थे उनके कई मामलों में, वो केस अभी कहां तक चल रहा है? फिर आप वहां की माइनॉरिटीज को, देश में सारे मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हो, जो लोग असम में रह रहे हैं 50 साल से ऊपर उनको आप बांग्लादेशी बताते हो। अगर वाकई वो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट कर दिया है, तो शेख हसीना जो आप हमारे देश में दावत खाने आती हैं हर साल पे, क्या बात करते हैं आप उनके साथ? क्या आपने कोई उनके सामने प्रधानमंत्री जी ने बात रखी हेमंत सोरेन की कि हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो असम के नागरिक हैं वो बांग्लादेशी, उन्हें ले जाओ? हम तो कहते हैं हेमंत सोरेन से कि प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि शेख हसीना को कहे अगर वो हैं बांग्लादेशी, अन्यथा इस तरह के बकवास करना बंद करें वो। आखिरी सवाल है मेरा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हमारा ये कहना है कि जो सच है और जो सच्चाई के रास्ते पे है उसको कभी आंच नहीं आ सकती। दुनिया में जो भी कॉरपोरेट नेक्सस में और कॉरपोरेट पॉलिटिकल नेक्सस में जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, इसे कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि किस तरह से आज पार्लियामेंट के बिल्स पूंजीपतियों द्वारा ड्राफ्ट किए जाते हैं नरेंद्र मोदी के रिजीम में, कैसे कॉरपोरेट लॉज में उनके लिए जो है उनको मुनाफा पहुंचाया जाता है, कैसे एक स्कूटर चलने वाला कई हज़ार करोड़ का इस देश में मालिक बन जाता है, कैसे कोई जो कल सड़क पे था वो आज फोर्ब्स की टॉप 5 लिस्ट में? तो अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की संसद है, भारत का अदालतें हैं, और हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये जो पूंजीपतियों के नेतृत्व की सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसने निजीकरण के द्वारा ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।